सो गाइज, बहुत लोग सोचते हैं कि हम अपने पुराने पीसी के अंदर वीडियो को एडिट कर ही नहीं पाएंगे। वीडियो एडिटिंग के लिए हमें एक अच्छा पीसी बिल्ड करना पड़ेगा, हमें एक अच्छा लैपटॉप लाना पड़ेगा जिसके अंदर अच्छा ग्राफिक कार्ड हो, प्रोसेसर भी अच्छा हो। तो लोग ऐसा सोचते हैं, पर अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना गाइज, तो आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि गाइज ऐसा नहीं है। अगर आप सिर्फ दो स्टेप्स फॉलो करते हो जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर वो दो स्टेप्स आपने फॉलो कर ली ना, तो आप अपने पुराने पीसी में भी आराम से वीडियो को एडिट कर पाओगे और एक अच्छे यूट्यूबर बन पाओगे। अगर आप फ्रीलैंसिंग करना चाहते हो तो वो भी कर पाओगे। बस आपको दो स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। मार्केट में बहुत तरह तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं। सबसे मेन जो सॉफ्टवेयर है वो है एडोबी प्रीमियर प्रो और फाइनल कट प्रो, और एक और हो जाता है यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट्स। मेनली लोग इनको यूज करते हैं। तो जो छोटे पीसी वाले हैं वो सोचते हैं कि भाई हम भी ये यूज कर लेंगे तो हमारी एडिटिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो गाइस अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा बल्की होते हैं, GB में होते हैं। गाइस आपका पुराना पीसी इनको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अगर कर भी लिया ना गाइस तो भी काफी ज्यादा हैंग होगा। तो आपको इन सॉफ्टवेयर की तरफ नहीं देखना है, आपको यहाँ पर यूज करना है छोटे सॉफ्टवेयर्स, जो कि गाइस एग्जांपल के लिए आप यूज कर सकते हो वंडरशेफ, फ्लिमोरा, जो कि गाइस काफी बढ़िया सॉफ्टवेयर है। इवन भी गाइस मैं भी इसको यूज करता था, और गाइस पर सारे आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। यहां तक कि आप ग्रीन स्क्रीन को हटा सकते हो, इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, वॉइस में से आप यहां पर नॉइस को हटा सकते हो। तो बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आपकी वीडियो एडिटिंग को बिल्कुल टॉप नॉच बना देगा। तो आप वंडरशेफ फ्लिमोरा का यूज कर सकते हो। इसकी जो साइज है ना गाइस वो 500 MB से भी कम है, तो इसको आप यूज करो। क्योंकि गाइस वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा, अगर आप अपने पुराने पीसी में करना चाहते हो तो आपको सॉफ्टवेयर यहां पर अच्छे से चूज करना पड़ेगा, और सॉफ्टवेयर ही मेन होगा। तो सबसे पहले आपको यहां पर बल्कि सॉफ्टवेयर चूज नहीं करने, आपको यहां पर चूज करना है सबसे छोटा सॉफ्टवेयर, जो कि वंडरशेफ फ्लिमोरा यहां पर सबसे बेस्ट हो जाता है। एडोबी की तरफ से यहां पर एक आता है रश, जिसका नाम है एडोबी रश, इसको भी आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर भी आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, पर एज कंपेयर टू वंडरशेफ फ्लिमोरा इसमें थोड़े कम फीचर होते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि इन दोनों को आप यूज कर सकते हो, इन दोनों के अंदर आपको फीचर्स भी मिल जाएंगे और आराम से आपके पुराने पीसी में इन दोनों सॉफ्टवेयर से आप एडिटिंग कर सकते हो। तो पहला स्टेप तो यह है कि आपको राइट सॉफ्टवेयर यहां पर चूज करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप गाइस यहां पर यह होती है कि आपको कौन सी क्वालिटी में वीडियो को रेंडर करना है। जब हम वीडियो को एडिट करते हैं ना, तो जब आउटपुट हम करते हैं तो सबसे पहले वो हमसे पूछता है कि आप कितनी क्वालिटी में आप वीडियो को रेंडर करना चाहते हो। 4K में करना चाहते हो, 2K में करना चाहते हो, 720p में करना चाहते हो, 1080p में करना चाहते हो। उसके बाद गाइस ये आपसे पूछेगा कितने FPS में करना चाहते हो, 60 FPS, 30 FPS, 24 FPS। उसके बाद गाइस ये आपसे पूछेगा कितने बिट रेट में करना चाहते हो। तो गाइस बहुत सारी चीजें होती है जो कि गाइस डिपेंड करती है आपके वीडियो रेंडर को करने में। तो गाइस आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास पुराना पीसी है तो आप यहां पर हाई क्वालिटी पे मत जाना। इवन आप सोच रहे हो कि मैं अपने पुराने पीसी से 4K वीडियो एडिट कर लूंगा, तो वो तो इम्पॉसिबल है। आपका पीसी रिस्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इतने पिक्सल को वो सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर कर भी गया तो वीडियो को रेंडर करने में 3-4 घंटे लग जाएंगे। इसलिए गाइस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास पुराना पीसी है तो आप यहाँ पर 1080p 30 FPS तक आपको जाना है, ये नॉर्मल रहेगा। इससे ऊपर जाओगे तो गाइस आपका पीसी दिक्कत करेगा। तो आप यहाँ पर 1080p 30 FPS तक आराम से अपने पुराने पीसी में वीडियो को एडिट कर सकते हो, और वंडरशेफ फ्लिमोरा और एडोबी रश आपके यहाँ पर पूरी मदद करेंगे 1080p 30 FPS तक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्वालिटी आपको ज़्यादा नहीं रखनी है। अगर आप क्वालिटी ज़्यादा रखोगे तो गाइस फिर आपका पीसी दिक्कत करेगा, इवन गाइस आपका पीसी शायद रिस्टार्ट भी हो जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो गाइस पहला तो स्टेप ये थी कि आपको अच्छा ही सॉफ्टवेयर चूज करना है, और दूसरा ये है कि आपको क्वालिटी पर ध्यान देना है कि आपको क्वालिटी ज़्यादा हाई नहीं रखनी है। बस गाइस ये दो चीज़ ध्यान रख लो और आप अपने पुराने पीसी में आराम से वीडियो एडिटिंग कर पाओगे और एक अच्छे यूट्यूबर बन पाओगे, या फिर फ्रीलेंसिंग करना चाहते हो तो वो भी कर पाओगे। तो गाइस ये आपको ध्यान रखना है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम अपने पुराने पीसी में वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं तो फिर एक अच्छा पीसी बनाने की जरूरत क्या है। गाइस बहुत लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे ये, तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई देखो क्या होता है कि जो वीडियो रेंडर होती है ना उसमें टाइम लगता है। अगर आपके पास पुराना पीसी होगा जिसमें प्रोसेसर काफ़ी पुराना है तो गाइस उस वीडियो को रेंडर होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपके पास i3 प्रोसेसर है, तो अगर आप वीडियो रेंडर करते हो 4K या फिर 1080p भी करते हो तो भी गाइस उस वीडियो को रेंडर होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और वही की वही वीडियो अगर आप हाई एंड पीसी में वीडियो रेंडर करोगे ना तो वो 2-3 मिनट के अंदर हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पर टाइम बचता है। इसलिए गाइस यहाँ पर जो बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल वीडियो एडिटर होते हैं, उनके पास एक अच्छा पीसी होता है और फिर वो वीडियो एडिट करते हैं, और यहाँ पर एडोबी प्रीमियर प्रो या फिर एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स को वो यूज़ करते हैं जिसमें उनको फीचर्स मिल जाते हैं। पर अगर आप एक नॉर्मल वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो आप वंडरशेफ फ्लिमोरा से भी कर सकते हो और अपने पुराने पीसी से भी कर सकते हो। बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। तो गाइस मैंने आपको सब कुछ बता दिया है जिससे कि गाइस आप अपने पुराने पीसी के अंदर भी वीडियो एडिटिंग आराम से कर सकते हो। आपको एक अच्छा पीसी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनिशियल डे पे हो, यहाँ पर चालू कर रहे हो अपना यूट्यूब चैनल या फिर फ्रीलैंसिंग, तो आप अपने पुराने पीसी से ही कर सकते हो। जब आपके पास अच्छा पैसा आ जाए तो आप एक नए पीसी में इन्वेस्ट कर सकते हो, पर अपने पुराने पीसी स्टार्ट जरूर कर सकते हो। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत होती है या फिर कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हो तो गाइस आप YouTube पर कमेंट कर सकते हो, या फिर गाइस आप मुझे Instagram पर भी DM कर सकते हो। ये मेरा Instagram यूजर नेम है, या DM करके जो पूछना चाहो पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत।